खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। यह कहानी भारतीय सेना के 8 सिख रेजिमेंट में तैनात उस जाबाज कैप्टन की जिंदगी पर आधारित है, जिसने 1971 में हुए भारत पाक की जंग में न केवल अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि कश्मीर घाटी में दुश्मनों की गोलीबारी के बीच भारतीय सेना के सैकड़ों घायल जवानों का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी दी। 3 दिसंबर 1971, इतिहास में शायद सबसे कम दिनों तक लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में से एक। 14 दिनों तक चले भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में पाक को उसके दुस्साहस और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दमन की भारी कीमत चुकानी पड़ी और पाकिस्तान के 93 कोर डिवीजन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने अपने हथियार डाल दिए। इस युद्ध में भारत के तत्कालीन सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की अगुवाई में भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जाबाजी की अनूठी मिसाल पेश की। इतिहास गवाह है कि इस युद्ध की समाप्ति पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी और उनके हजारों फौजियों ने आत्मसमर्पण किया था। बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का यह है रौनी गाँव। जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर के फासले पर स्थित इस गांव की महिलाएं अपने घर पर तैयार की जा रही मीठे पकवानों के कारण दूर दराज इलाकों तक तो मशहूर हैं ही, साथ ही साथ इस इलाके के प्रसिद्ध किसान स्वर्गीय ब्रज कुमार सिंह का यह घर भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की उन तस्वीरों को ताजा कर देता है, जब ब्रज बाबू के पुत्र विजय ने सेना में चिकित्सक रहते न केवल अपनी वीरता का परिचय दिया बल्कि अपने गांव के साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया। 11 फरवरी 1942 को बक्सर जिले के रौनी गांव में ब्रज कुमार सिंह और उनकी पत्नी यमुना सिंह की प्रथम संतान का जन्म हुआ और नाम पड़ा विजय। पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाले विजय आरंभ के दिनों से ही मेघावी छात्र रहे। साल 1946 से 1949 तक विजय शंकर सिंह रौनी स्थित लोअर प्राइमरी स्कूल के छात्र रहे और फिर साल 1949 में ही तेरा स्थित मिडिल स्कूल में नामांकन करवाया और इस अवधि में विजय ने अपनी पढ़ाई की बदौलत अपने शिक्षकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई।
गांव के घर से प्रतिदिन 3 मील पैदल चलकर स्कूल आने जाने वाले विजय ने साल 1953 में शहर का रुख किया और बक्सर स्थित बक्सर हाई स्कूल में नामांकन करवाया और फिर विद्यालय के हॉस्टल में रहते हुए इसी विद्यालय से साल 1957 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। हाई स्कूल के दिनों में विजय न केवल अपने हॉस्टल के प्रीफेक्ट रहे बल्कि बेबाक और निर्भीक स्वभाव के कारण अपने सहपाठियों के बीच भी काफी लोकप्रिय रहे। कैप्टन साहब डॉक्टर विजय शंकर बाबू अपने आप में एक जिंदा मिसाल है कि जिंदगी में काम कैसे करना चाहिए और अपने अलावे दूसरों के लिए कैसे कुछ करना चाहिए। रैनी गांव में पैदा होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी जब तेरा स्कूल में हुई वहाँ से ये बक्सर हाई स्कूल में 1953 में 8वीं क्लास में आए। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास और 11वीं क्लास 4 वर्षों तक बक्सर हाई स्कूल के विद्यार्थी रहे। काफ़ी मेधावी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, लंबे चौड़े शरीर के मेधावी छात्र और अनुशासित जीवन जीने वाले। वहाँ खेल में भी इनकी रुचि रही, भाग लेते रहे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करते रहे। ये न रुके हैं, न थके हैं, अभी भी इनकी सेवा यात्रा अनवरत जारी है। इस इनके बारे में यही कहेंगे कि चलते जाओ, चलते जाना, चलते जाओ, चलते जाओ, चलने का साहिल है जिंदगी और मंजिलों से भी आगे की मंजिल है जिंदगी। साल 1957 में विजय शंकर सिंह ने बनारस स्थित उदय प्रताप कॉलेज में दाखिला लिया और साल 1959 में न केवल ISC की परीक्षा सर्वाधिक अंकों से पास की बल्कि इस अवधि में कॉलेज हॉस्टल के ये प्रीफेक्ट भी रहे। उस दौर में उदय प्रताप विश्वविद्यालय की यूनियन का संचालन 10 कॉलेजों के निर्वाचित प्रीफेक्ट ही किया करते थे। ऐसे में विजय ने छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और बाद के दिनों में ये फैसले मील का पत्थर साबित हुए। डॉक्टर बनने का सपना लिए विजय शंकर सिंह ने साल 1960 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कदम रखा और ISC में प्राप्त अंकों के आधार पर कॉलेज प्रशासन द्वारा नामांकन के लिए इनका चयन किया गया। गांव से 3 माइल दूर जाकर के हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और वहां मिडिल पास करने के बाद तब हाई स्कूल बक्सर में आए। हाई स्कूल पास करने के बाद उदय प्रताप कॉलेज से ISC किया और उसके बाद MBBS में एडमिशन के लिए दरभंगा गए। दरभंगा से 1965 में MBBS पास किए। उस समय ही भाई हमारा इंटरव्यू बिहार सरकार में भी BPSC के द्वारा हुआ। BPSC में भी सिलेक्शन हुआ और आर्मी में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन हम उस समय जो 62 की लड़ाई हुई थी उसका 65 की लड़ाई हुई थी उसके बाद एक जो लोगों में जुनून था कि देश की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ करके हम देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन कर लिए। इधर कॉलेज में नामांकन के साथ ही परिवार की तरफ से विजय पर शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में 21 जून 1961 को विजय शंकर सिंह का विवाह उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित सिताब दियारा के दलजीत टोला निवासी रास बिहारी सिंह और महासुंदरी देवी की दूसरी पुत्री बिंदु सिंह के साथ संपन्न हुआ। नवंबर 1963 में सिंह दंपति के घर लक्ष्मी का आगमन हुआ और माँ बाप ने अपनी लाडली का नाम रखा चंदा। इधर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सभी कुछ भूल कर विजय शंकर सिंह ने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और कॉलेज के ओल्ड हॉस्टल स्थित रूम संख्या 2 और फिर 36 में रहते हुए साल 1965 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। अब विजय डॉक्टर विजय शंकर सिंह के नाम से पहचान बना चुके थे। डॉक्टर बनने की खबर के बीच सितंबर 1965 में खुशियों ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और लक्ष्मी के रूप में बेटी घर आई, नाम पड़ा पूनम। डॉक्टर बनने के उपरांत विजय शंकर सिंह ने इसी कॉलेज से 6 माह तक रोटेटिंग हाउसमैनशिप किया और फिर साल 1966 में डॉक्टर सिंह ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सफलतापूर्वक अपना हाउसमैनशिप भी पूरा किया।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रवास के दौरान डॉक्टर विजय शंकर सिंह चार वर्षों तक एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प के अंग रहे और इस संगठन में अंडर ऑफिसर रहते बीएनसी सर्टिफिकेट हासिल किया। एक फौजी के रूप में देश सेवा की चाहत मन ही मन लिए डॉक्टर विजय ने साल 1966 में दानापुर स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में नौकरी के लिए आवेदन दिया और इसी साल दानापुर स्थित सेना अस्पताल द्वारा आर्मी मेडिकल कोर में नौकरी के लिए इनका इंटरव्यू किया गया। इधर साल 1966 के अक्टूबर माह में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा नौकरी के लिए आयोजित इंटरव्यू में डॉक्टर विजय शंकर सिंह शामिल हुए और उधर बिहार सरकार ने इनकी पदस्थापना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के साथ ही डॉक्टर सिंह को भारतीय सेना की ओर से भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। ऐसे में डॉक्टर सिंह ने बिहार सरकार से लियन लेकर 22 जनवरी 1967 को भारतीय सेना के लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर में अपना योगदान दिया और प्रशिक्षण की समाप्ति पर सेना द्वारा कैप्टन विजय शंकर सिंह की पहली पोस्टिंग मई 1967 में दिल्ली कैंट स्थित आर्मी अस्पताल में कर दी गई। दिसंबर 1967 में डॉक्टर विजय शंकर सिंह की पत्नी बिंदु सिंह ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दिया और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। माँ बाप ने बच्चे का नाम रखा विनय। जून 1968 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा कैप्टन विजय शंकर का तबादला राजस्थान के अजमेर मुख्यालय स्थित 412 मेडिकल बटालियन में कर दिया गया और कुछ ही समय की सेवा के उपरांत ये राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी पदस्थापित रहे। राजस्थान में करीब एक साल की पोस्टिंग के उपरांत सितंबर 1969 में भारतीय सेना द्वारा कैप्टन विजय का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर स्थित 4 मराठा रेजिमेंट में RMO यानी रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के पद पर कर दिया गया। यह रेजिमेंट उन दिनों झेलम के उत्तर क्षेत्र में अलग अलग पोस्टों पर उरी सेक्टर में तैनात थी और बटालियन का हेडक्वार्टर बाज पोस्ट पर था। ऐसे में कैप्टन विजय शंकर सिंह इसी पोस्ट पर रुके। 70 के दशक के पूर्व डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह ने कभी पहाड़ तक न देखा था। ऐसे में घाटी पोस्ट के कठिन रास्तों से बाज पोस्ट तक पहुंचने के दौरान इनके दम फूलने लगे और इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकार बताते हैं कि 1962 में हुई भारत चीन की लड़ाई के दौरान हाई एटीट्यूड पर्मोनेरी एडीमा नामक एक गंभीर बीमारी का पता लगा था जिसमें चढ़ाई के दौरान इंसान का दम फूलने लगता था। ऐसे में संबंधित व्यक्ति का ज्यादा समय तक जीवित रह पाना मुश्किल सा था। फौजी और चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर सिंह यह बात अच्छी तरह जानते थे। ऐसे में जान की परवाह किए बगैर वो लगातार घाटियों में चलते रहे और बाज पोस्ट पर जा पहुंचे। भारतीय सेना के चंद अफसरों की मौजूदगी में डॉक्टर सिंह ने डॉक्टर कैप्टन नागराज से चार्ज लिया और सबसे ऊंचे पोस्ट यानी अपरगढ़ में मौजूद कंपनी कमांडर मेजर घोषाल के बुलावे पर उनसे मिलने पहुंचे। मेजर घोषाल द्वारा आयोजित भोज के दौरान डॉक्टर सिंह ने यह महसूस किया कि उन्हें हाई एटीट्यूड पर्मोनेरी एडीमा नहीं हो सकता। कुछ ही वक्त में कैप्टन विजय बटालियन के सभी पोस्टों से वाकिफ हुए और यह महसूस किया कि यहाँ फौज में मरीजों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सेना के जवानों के अलावा इन्होंने आसपास के गांव में रह रहे लोगों का निःशुल्क इलाज शुरू किया और सेना के अलावा स्थानीय लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैप्टन विजय शंकर की शिकार में गहरी रुचि थी और इसे ध्यान में रखकर इन्होंने जयपुर में पोस्टिंग के दौरान 12 बोर की एक गन ऑल इंडिया लाइसेंस के साथ हासिल किया था। ऐसे में खाली मिले वक्त में डॉक्टर सिंह एक कुली को साथ ले अपरगढ़ के जंगलों में जंगली मुर्गों का खूब शिकार करते। इधर साल 1970 में 4 मराठा बटालियन को 8 सिख बटालियन से बदल दिया गया और कैप्टन विजय बतौर RMO यानी मेडिकल ऑफिसर 8 सिख के साथ हो लिए। इधर अक्टूबर 1971 की शुरुआत में कैप्टन विजय शंकर सिंह और अन्य फौजियों को यह एहसास हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो सकती है। युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे में भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां शुरू की और पूर्व से बाज पर तैनात भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अब्राहम और उनकी बटालियन
बाज पोस्ट पर आ गई। 2 दिसंबर 1971 की रात 8 बजे कर्नल अब्राहम को यह जानकारी मिली कि दक्षिण झेलम के इलाके में लड़ाई शुरू हो चुकी है। कमांडिंग ऑफिसर ने डॉक्टर सिंह और अन्य जवानों को साथ लिया और कमांड पोस्ट पर पहुंचे और वहां पर बने व्यू पॉइंट से देखा कि झेलम के दक्षिण में दोनों ओर से लड़ाई लगी है और अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेड से आदेश मिला कि अपना प्लान नंबर 1 एग्जीक्यूट करें। इस आदेश के उपरांत बाज पोस्ट पर पूर्व से तैनात जवान सोहराब पोस्ट पर आ गए और घाटी के सोल्जर्स बटालियन मुख्यालय यानी बाज पर। भारत और पाकिस्तान की सेना की ओर से जारी भीषण गोलीबारी के बीच डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह की पोजीशन बाज पर थी। ऐसे में कैप्टन ने सेना के कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग को यह सूचित किया कि युद्ध में घायल कोई भी जवान बाज पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यह स्थान वास्तविक रण क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में है और इस स्थिति में मेडिकल पोस्ट को रण क्षेत्र से महज 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए ताकि घायल जवानों का समुचित इलाज किया जा सके। अधिकारियों का आदेश मिलते ही डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह अपने सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ 3 दिसंबर 1971 को बाज पोस्ट पर वास्तविक रण क्षेत्र की ओर रवाना हुए और दुश्मनों की ओर से हो रही लगातार गोलीबारी के बीच भारतीय सेना के घायल जवानों का इलाज शुरू किया। डॉक्टर सिंह अब रण क्षेत्र से महज चंद कदम की दूरी पर थे। ऐसे में सभी घायल जवान इनके पास पहुंचते और डॉक्टर सिंह सभी का इलाज कर उन्हें बाज पोस्ट तक सुरक्षित पहुंचाते रहे, जहां से उन्हें नवनिर्मित हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर द्वारा समुचित इलाज के लिए श्रीनगर ले जाने की तैयारी सेना ने पूर्व से ही कर रखी थी। इधर घायल जवानों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच एक सबसे बड़ी समस्या कई घायल जवानों को एक साथ उठाकर बाज पोस्ट तक पहुंचाने की थी। कैप्टन विजय जानते थे कि गांव के लोगों को वजन उठाकर पहाड़ों में चलने का अभ्यास है। ऐसे में डॉक्टर सिंह ने कुलियों के मेट को भेजकर गांव वालों को बुलवाया और कैप्टन विजय के अनुरोध पर गांव वालों ने एक एक घायल जवानों को अपनी पीठ पर उठाकर हेलीपैड तक पहुंचाना शुरू किया। हेलीपैड पर खड़े सेना के 4 हेलीकॉप्टर घायल जवानों को लेकर लगातार उड़ते और श्रीनगर अस्पताल में घायलों का इलाज शुरू होता। इधर पाकिस्तानी सैनिकों को नए बने हेलीपैड की जानकारी मिली और उन्होंने आर्टिलरी यानी तोप से हेलीपैड पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया और पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा। पुरानी बातों को याद कर डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह बताते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को हमारी बटालियन ने अपने सोहराब पोस्ट से पाकिस्तानी पोस्ट झंडीमली पर हमला किया और कुछ ही घंटों में झंडीमली पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे जवानों की संख्या कम होने के कारण पाकिस्तानी सैनिकों ने मल्ली पोस्ट से एक बार फिर झंडीमली पर अपना कब्जा जमाया और हमारे जवानों को वापस अपने पोस्ट पर लौटना पड़ा। इस घटना के बाद सेना द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत 2री रिजर्व बटालियन से 8 सिख को बदल दिया गया और 8 सिख बटालियन नीचे उरी सेक्टर में आ गई। इधर 16 दिसंबर की रात 8 बजे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 17 दिसंबर की रात 8 बजे सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस खबर के साथ ही ब्रिगेड कमांडर ने 8 सिख के कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि कल यानी 17 दिसंबर की रात 8 बजे से पहले आप दुश्मन की एक पोस्ट पर कब्जा करें। उसी रात आदेश पारित हुआ और अगले दिन कंपनी कमांडर को झेलम के साउथ में बुलाया गया और सीओ के साथ बैटल ब्रीफिंग की गई, जिसमें हमले की योजना और दुश्मन के पोस्ट पर कब्जे की रणनीति शामिल था। 17 की दोपहर 2 बजे हमले की योजना तैयार की गई, लेकिन ऐन वक्त पर कंपनी कमांडर मेजर माहे ने कमांडिंग ऑफिसर के सामने लड़ाई में जाने से इनकार कर दिया। सीओ ने कैप्टन विजय शंकर सिंह और एडजुटेंट को गवाह के तौर पर बुलाया और मेजर माहे को आदेश दिया कि अभी जो ब्रीफिंग हुई है उसके मुताबिक
आप अपनी कंपनी को लेकर लड़ाई में जाएं, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माहे का सीईओ को जवाब था, आप मुझे अभी गिरफ्तार कर सकते हैं। मेजर माहे का जवाब सुनते ही डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर ने कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि इस पूरे इलाके की मुझे जानकारी है और सेना के जवानों को लेकर स्थानीय लोगों तक को मैं जानता हूं। ऐसे में कंपनी कमांड करने की जिम्मेवारी मुझे दी जाए। इन दोनों संदेशों को ब्रिगेड के साथ साथ डिवीजन में भी भेजा गया, लेकिन डिवीजन का आदेश आया कि डॉक्टर की युद्ध में अहम भूमिका है, ऐसे में मेजर माहे की जगह दूसरे अधिकारी को जिम्मेवारी दी जाए। भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारतीय सेना के इस जांबाज कप्तान का नाम इनकी वीरता पूर्वक कार्यों को देखते हुए वीर चक्र के लिए बटालियन और ब्रिगेड की ओर से डिवीजन को भेजा गया, लेकिन जनरल ऑफिसर कमांडिंग का मानना था कि एक डॉक्टर के रूप में कैप्टन ने लड़ाई के मैदान के पास कैंप कर गांव वालों की मदद से घायल जवानों को हेलीपैड तक पहुंचाने का न केवल साहसिक कदम उठाया, बल्कि कंपनी कमांडर द्वारा युद्ध में जाने से इनकार करने पर कैप्टन विजय शंकर ने कंपनी कमांड करने का प्रस्ताव दिया, यह सराहनीय है। चूंकि बटालियन के काम से सेना संतुष्ट नहीं है, ऐसे में वीर चक्र के लिए केवल एक डॉक्टर का नाम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और हमारे जवान पाकिस्तान पर टूट पड़े और झंडी मली को कैप्चर कर लिया, लेकिन संख्या इतनी कम थी कि वो बाद में रिपल्स्ड हो गए, काफी कैजुअल्टी हुई। और वहां से हम किसी तरह से जो हमारे पास पहुंच गए पेशेंट, उनको यहां से ट्रीटमेंट दे करके हमको बाद पोस्ट पर जो 5 किलोमीटर तो वहां नया हेलीपैड बनाया गया था वहां तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब हमने मेट को बुलाया और कहा कि गांव वालों को बुलाओ। गांव वाले यह सोच करके आए कि डॉक्टर बुला रहे हैं, और क्योंकि उनके साथ मेरा पिछले 3 साल का संबंध था, यह संबंध होने के चलते वो हमारे लिए आए और वहां से मरीजों को उठा करके जो इंजर्ड थे उनको उठा करके एक एक आदमी पीठ पर लाद करके और जो बाग पर एक नया हेलीपैड बना था वहां पर पहुंचाए, और वहां पर हेलीकॉप्टर आता गया नेक्स्ट मॉर्निंग और उनको लेकर के जाता गया। अक्टूबर 1972 में डॉक्टर विजय शंकर सिंह का ट्रांसफर दानापुर स्थित सेना अस्पताल में कर दिया गया, और इस अस्पताल में डॉक्टर सिंह अप्रैल 1973 तक पदस्थापित रहे, और फिर इसी अस्पताल से मुक्त होकर 1973 में इन्होंने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से ही लियन लेकर डॉक्टर सिंह ने आर्मी मेडिकल कोर में योगदान दिया था। जुलाई 1973 से अप्रैल 1975 के बीच डॉक्टर सिंह ने प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर गांगुली के अधीन MS किया, और दिसंबर 1975 में इनकी पहली पोस्टिंग बतौर रेजिडेंट सर्जन पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में कर दी गई। साल 1976 में डॉक्टर सिंह ने पटना के गोविंद मित्रा रोड स्थित पाल नर्सिंग होम से अपनी निजी प्रैक्टिस की शुरुआत की, लेकिन 1995 में अपनी निजी अस्पताल को इन्होंने कंकड़बाग स्थित अपने आवास में शिफ्ट कर लिया, और आगे चलकर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सेना के अस्पतालों में अवकाश प्राप्त सैनिकों की बढ़ती भीड़ और भारतीय सेना के अवकाश प्राप्त सैनिकों के इलाज को ध्यान में रखकर इस अस्पताल का चयन किया, जहां आए सेवानिवृत्त फौजियों का कैशलेस इलाज किया जा रहा है। फरवरी 1979 में डॉक्टर सिंह का ट्रांसफर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया, जहां ये रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत रहे, लेकिन 3 माह की सेवा के उपरांत एक बार फिर इनका तबादला मगध मेडिकल कॉलेज गया में कर दिया गया। नवंबर 1980 में डॉक्टर विजय शंकर सिंह ने एक बार फिर पटना मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान दिया, और लंबी सेवा देने के बाद साल 1996 के अगस्त माह में NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष काम किया, और इस अवधि में डॉक्टर सिंह द्वारा किए गए कामों को लोग आज भी याद करते हैं। जानकार बताते हैं कि डॉक्टर विजय शंकर सिंह 70 के दशक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA में सक्रिय रूप से जुड़े,
और बदलते वक्त के साथ संगठन के आजीवन सदस्य रहते कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया, जिनमें आईएमए की बिहार शाखा के सचिव, राज्य सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लंबे वक्त तक केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। उस दौर में आईएमए के सचिव रहते इन्हें न केवल मेरिट सर्टिफिकेट देकर सर्वश्रेष्ठ सचिव के खिताब से नवाजा गया, बल्कि संगठन की पटना शाखा को मुख्यालय का सर्वश्रेष्ठ ब्रांच भी घोषित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर सिंह बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुख्यालय, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पदों पर भी रहे और इस अवधि में संगठन को एक नई पहचान दिलाई। देश के जाने माने प्राख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय शंकर सिंह हड्डी रोगों से संबंधित राज्य और देश की कई महत्वपूर्ण संगठनों से भी बतौर आजीवन सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जिनमें बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन आदि प्रमुख हैं। और इन संगठनों में ये सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं। डॉक्टर विजय शंकर सिंह को पिछले 50 वर्षों से अधिक से जानता हूं। वो डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत जागरूक समाजसेवी हैं, सांस्कृतिक विचारों से भी ओतप्रोत हैं और उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है हमारे देश की तरक्की, स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार, समाज के गरीब से गरीब आदमी के कल्याण की बात, सब जगह सबको स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो उसको पूरा करना वे अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं और उनमें इन उनके निरंतर संघर्ष से उनको अपने कार्य क्षेत्र में महती उपलब्धियां हासिल हो सके। डॉक्टर विजय शंकर सिंह आज के दिन उनको आईएमए का विश्व तांबा लोका था और वे आईएमए का वर्चुअली प्रेसिडेंट थे। जो प्रेसिडेंट जो बाहर चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे, उस समय डॉक्टर विजय शंकर सिंह आईएमए प्रेसिडेंट का काम किया और जिस तरह का काम उन्होंने किया है और काफी सराहनीय है। विजय शंकर बाबू के चलते ही बिहार आईएमए 30-35 सालों से वेल यूनाइटेड है और जिसको चाहते हैं प्रेसिडेंट बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, सबको लेके चलते हैं, यहाँ किसी तरह से इस स्टेट में कोई फीलिंग नहीं है। सिंह दंपति ने अपने सभी बच्चों की तालीम पर खासा ध्यान दिया और घर में पढ़ाई का सुंदर माहौल बनाया। बड़ी बेटी चंदा सिंह ने पटना विश्वविद्यालय से एक ओर जहां एमए किया है तो वहीं दूसरी ओर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। दूसरी बेटी पूनम सिंह ने मगध विश्वविद्यालय से एमए करने के अलावा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है तो पुत्र विनय कुमार तिलैया स्थित सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। विनय ने पटना स्थित अनुग्रह नारायण कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास करने के उपरांत कर्नाटका से इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है। नवंबर 1986 में डॉक्टर विजय शंकर सिंह और उनकी पत्नी बिंदु सिंह की पहली पुत्री चंदा सिंह का विवाह झारखंड के रांची निवासी प्रदीप कुमार के साथ संपन्न हुआ। प्रदीप इस वक्त रांची स्थित कोल इंडिया के सीसीएल में बतौर जनरल मैनेजर कार्यरत हैं। जो हमसे मुलाकात हुई एक सौम्य व्यक्ति से, एक ज्ञानी व्यक्ति से, एक सज्जन व्यक्ति से, न कि केवल डॉक्टर से, और मुलाकातें होती रही। जब तक हमने उनको देखा उन्होंने कहा कि हमेशा हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं और मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, केवल व्यक्ति के नहीं समाज की भी। जहाँ तक उनके एसोसिएशन का सवाल है, मेडिकल एसोसिएशन का, उसके वो नेता रह चुके हैं, नेता है, और जब भी उनको कोई जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार और स्टेट सरकार, राज्य सरकार से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जीता। एक सेल्फ मेड पर्सन है, डाउन टू द अर्थ,
सबके साथ बहुत ही मृदु व्यवहार, अगर आप उनको अपने व्यवहार से कभी हर्ट भी करते हैं तो वो उसको दिल पर कभी नहीं लेते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बहुमुखी है, बहुत ही तरह का उनमें क्वालिटीज़ है जो कि हम लोगों को अभी तो सीख ही रहे हैं इतने साल से, और आगे भी मौका मिलेगा कि सीखते रहेंगे उनसे। उनका स्वभाव बहुत ही सुपर शुरू से ही रहा, कभी किसी पर गुस्सा उस्सा नहीं किए आज तक, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, वो परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहे। हम लोग तीन भाई बहनों में कभी डिफरेंस नहीं किए, तीनों का लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से एक जैसा ही हुआ। बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क कर रहे हैं, घर समाज सब, मतलब समाज के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं वो, उसके साथ साथ परिवार को भी नहीं छोड़ते हैं, परिवार को एकदम लेकर ही चलते हैं, चाहे वो भाई हो बहन हो, चाहे घर का हो या परिवार का हो, कहीं का दूर दराज। मार्च 1991 में सिंह दंपति की दूसरी बेटी पूनम सिंह का विवाह पटना निवासी ऋतुराज के साथ संपन्न हुआ। ऋतुराज वर्तमान में राजधानी पटना स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सीनियर डिविजनल मैनेजर कार्यरत हैं और अपने क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान है कि वो एक चलते फिरते मानवीय मूल्यों के संरक्षक के रूप में है। आज बहुत से लोग उन मानवीय मूल्यों पे विश्वास नहीं रखते हैं, जो मानवीय मूल्य एक समाज का सही निर्माण करता है। डॉक्टर विजय शंकर सिंह के इन्हीं मूल्यों और आदर्शों के कारण वो हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। मेरे पापा बहुत ही काम के प्रति अभिन्न रहते हैं, और हम लोग को कभी भी नहीं सिखाया कि मेहनत नहीं करो, मेहनत से नीचे जाते थे, अपने काम पर अभिन्न होते थे। हम लोग भी टाइम पर ही सारा चीज़ सीखते थे और उन्हीं से हम लोग आगे बढ़े। कभी नहीं कहे कि तुम लोग अपने काम करने में शिकायत है या वो, कोई कंप्लेंट नहीं। वो पेशेंट के रूप में मरीज लोग को बहुत ही अच्छे से देखते थे और देखने के लिए अभी भी अग्रिम रहते हैं। कुछ भी हो काम तो समय पर पहले करते हैं, उसके बाद ही फैमिली को देखते हैं, सबका प्रॉब्लम हल करते हैं, किसी के प्रॉब्लम को अपने ऊपर आने से पहले ही रोक देते हैं, सारा समस्या का समाधान खुद करते हैं। हम लोग अपने पापा पर बहुत गर्व करते हैं कि ये हम लोग को बहुत ध्यान दिए हैं। फरवरी 1997 में डॉक्टर विजय शंकर सिंह के पुत्र विनय कुमार का विवाह बिहार के सहरसा जिले के सरोजा निवासी नमिता सिंह के साथ संपन्न हुआ और पूरा प्रदेश इस भव्य शादी समारोह का गवाह बना। 97 से डॉक्टर साहब से हम लोगों का संबंध स्थापित हुआ, ये हमारे संबंधी बने, इनके लड़के से हमारी लड़की की शादी हुई। तो उस जमाने में भी इन्होंने हमसे एक पैसे का दहेज या किसी चीज़ का डिमांड नहीं किया, और जो फंक्शन हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा, खुद इनिशिएटिव लेके इन्होंने फंक्शन को संपन्न कराया। उसके बाद उत्तरोत्तर जब और संबंध प्रगाढ़ हुआ तो इन्होंने हर परिस्थिति में हम लोगों को हर मौके पर मदद किया। डॉक्टर विजय के पुत्र गुड़गांव स्थित प्रसिद्ध कंपनी यूनिटेक में विगत कई वर्षों से बतौर जनरल मैनेजर न केवल कार्यरत हैं बल्कि इनके अनुभवों का लाभ कंपनी को निरंतर मिल रहा है। उनके अंदर एक फौजी हमेशा रहा, हम लोग ने बचपन से देखा, वो एक डिसिप्लिन में रहते थे, उनकी दैनिक दिनचर्या ऐसी होती थी कि वो कभी भी अपनी डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं उन्होंने पूरे लाइफ में, और वो डिसिप्लिन हम लोग को भी दिया, हम लोग ने भी उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। एक कहानी है जो हमें बताया गया, उस समय की बात है जब 71 की लड़ाई हो रही थी, हमारे पिताजी की पोस्टिंग थी कश्मीर में और उनकी बैटल फील्ड से काफ़ी दूर दिया गया था, क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशनल उनको जो भी कैजुअल्टी होती थी, जो भी इंजर्ड होता था उनको अटेंड करना होता था।
तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया अपने कमांडर से कि हमें जो है आप बैटल फील्ड पे ले जाएं, ताकि हम सैनिकों की कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। उस समय उनके अंडर में अराउंड 1000 सैनिक हुआ करते थे, जिनको कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी है उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी वह अटेंड करते थे। तो बैटल फील्ड में लोग जाना नहीं चाहते एज अ डॉक्टर, लेकिन उन्होंने अपने चॉइस के तहत वहाँ गए और बिल्कुल बैटल ग्राउंड पे उन्होंने काम किया और डेडिकेटेड हो के काम किया। मैं डॉक्टर बीएस सिंह की डॉटर इन लॉ हूँ। मुझे इस फैमिली के मेंबर हुए 20 साल हो गया और मुझे बिल्कुल इन्होंने ऐसे छोटे बच्चे के जैसा मतलब बिल्कुल मेंबर में रखा, और मैं मतलब बेटों से भी ज़्यादा मुझे उन्होंने ये किया, रिस्पेक्ट दिया है। और वो मेरे फादर इन लॉ हमारी फैमिली के एक बैकबोन है, वो हमारी टेंशन वो पहले समझ जाते हैं और वो सारा सॉल्व करते हैं, हमारे तक वो पहुँचने नहीं देते कोई भी प्रॉब्लम, और हमारे लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं हर इस चीज़ के लिए। और मुझे बहुत गर्व है उनकी डॉटर इन लॉ होते हुए। मैंने 20 साल देखा है कि वो इतने डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन के लिए कि वो सुबह से टाइमली डिसिप्लिन से अपने टाइम चले जाते हैं अपने काम पे, फिर एक आते हैं लंच करने, फिर दोबारा वो थोड़ा रेस्ट करके दोबारा चले जाते हैं। इतना डिसिप्लिन मैंने किसी को नहीं देखा, तो मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी उनके जैसा ही बने और आगे चल के ऐसे ही नाम कमाए जैसे मेरे फादर इन लॉ ने कमाया। इस मध्य साल 1997 से 2000 तक डॉक्टर सिंह पटना स्थित IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य बनाए गए, और इस अवधि में डॉक्टर सिंह ने काफी काम किया। साल 1999 के नवंबर माह में राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर VS सिंह को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई, और इस जिम्मेवारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाते हुए डॉक्टर सिंह 28 फरवरी 2000 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए। डॉक्टर विजय शंकर सिंह का नाम देश के उन चंद लोगों में शुमार है जिसने फौज में रहकर देश की सेवा और चिकित्सक के रूप में मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर दिसंबर 2000 में कोलकाता में IMA द्वारा आयोजित 76वें ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर सिंह को IMA डॉक्टर AKN सिन्हा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर ईश्वर चंद्र कुमार द्वारा लिखी लोकप्रिय पुस्तक शाहबाद के महान सपूत भारत का गौरव के पृष्ठ संख्या 278 में डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह के कामों और उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिलहाल डॉक्टर सिंह आरा स्थित वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में मेंबर सीनेट के तौर पर जुड़े हैं, और विश्वविद्यालय को इनके अनुभवों का लाभ निरंतर मिल रहा है। समाज सेवा में गहरी रुचि रखने वाले डॉक्टर सिंह न केवल पटना स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष रहे, बल्कि राजधानी पटना के अलावा आरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में समय समय पर इनके द्वारा मुफ्त मेगा हेल्थ चेकअप कैंप्स का भी आयोजन किया जाता है। लंबे समय से डॉक्टर सिंह वीर कुंवर सिंह शिक्षा नीति के भी उपाध्यक्ष हैं, जिसके तहत गरीब छात्र छात्राओं को यह संगठन छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। कि हमने बराबर मरीजों का ध्यान रखा, कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा और कभी गलत एडवाइस मरीजों को नहीं दिया। आज तक उसी के चलते लोग इज्जत करते हैं और सबके दुख सुख में साथ मिलकर रहने की बराबर कोशिश किया। एक महान समाज सेवी और चिकित्सक डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह के चाहने वालों की खुशियों का उस वक्त ठिकाना न रहा जब चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1 जुलाई 2005 को भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों इन्हें डॉक्टर PC राय राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिकित्सा जगत में दिए जाने वाले इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड के अलावा डॉक्टर सिंह को जुलाई 2007 में लायंस क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लायन महेंद्र अमर सूर्या के हाथों मेलविन जोन्स फेलो अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा
मई 2009 में असम और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह के हाथों भी इन्हें राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से नवाजा गया। My grandfather has always encouraged me to become a doctor like him, and I want to make him proud by becoming a selfless doctor like him myself. And my parents also have encouraged me to become a doctor, and they have always supported me in my opinions and views. And he has always given me the right guidance, and I am very proud of him, and I want to make him proud of myself also. जब भी उनके अवार्ड देखता तभी मुझे गर्व महसूस होता है कि उनने देश के लिए कितना उन्होंने अवार्ड जीते हैं और उन्हें हर अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी मैं घर में उनका फ़ोटो देखते पूछते हैं ये कौन, तब मैं उन्हें बताता हूँ ये मेरे दादाजी हैं जिनने ये अवार्ड जीता है, उनको प्रेसिडेंट से मिली है। उनने ये बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, उनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। इधर 20 अप्रैल 2017 को डॉक्टर सिंह की पत्नी बिंदु सिंह का दिल्ली में निधन हो गया और पूरा परिवार शोक में डूब गया। प्रेम, त्याग, तपस्या और समर्पण की मिसाल बिंदु सिंह ने हर कदम पर न केवल पति का साथ निभाया बल्कि एक आदर्श माँ के रूप में वो आज भी अपने बच्चों के सामने हैं। वो हमारी एक ताकत थी जिनके बल पर हम कोई भी काम करने में अपने को सक्षम पाते थे। वो बराबर हमको प्रोत्साहित करती थी और उन्हीं के बदौलत जो भी हमको हुआ उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। इस बीच 17 अगस्त 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह को MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया और देश की चिकित्सा जगत में डॉक्टर सिंह का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। बहरहाल भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाने वाले इस फौजी ने न केवल भारतीय सेना और हमारे देश का सर ऊंचा किया है बल्कि चिकित्सा जगत को भी अपने इस कैप्टन पर नाज है।